चांदनी रउआ सभी के स्वागत कर रहल बानी अपना प्रोग्राम जरा हटके में। और ये प्रोग्राम में हम रउआ सभी के बतावे नी कोनो ऐसन बात, कोनो ऐसन खबर, कोनो ऐसन फिल्म के बारे में, कोनो ऐसन एक्टर के बारे में, कोनो ऐसन हस्ती के बारे में जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा। और ये बात तनी हटके यानी कि जरा हटके, और ये आज भी हम रउआ सभी खातिर कुछ ऐसे ही खबर को लेके आयल बानी जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा। और बात तनी हटके सबसे अलग तनी खास यानी कि जरा हटके। और ये आज के प्रोग्राम के शुरुआत करतनी आज हम अपना पहला खबर से। और जौन पहला खबर बा वो खबर बा खेसारी लाल यादव से जुड़ल। जी हाँ, जैसन कि रउआ सभी जानते बानी कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे के मिल रहा बा। कहीं पर अच्छा फिल्म बन रहा बा, ऐसन ऐसन खुली फिल्म बन रहा बा जौन कि एगो लोगन के एंटरटेनमेंट आ मनोरंजन के संगे कुछ मैसेज भी दे सके। तो दूसरा तरफ ऐसन ऐसन एक्टर एक्ट्रेसेस खुली आवता लोग जेकर आदमी सोचलो ना रहले हाँ कि ऐसन ऐसन एक्टर एक्ट्रेसेस अपना इंडस्ट्री में आई लोग। और ये काफ़ी टाइम से एक के दो गो नाम रहे जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा जानत जाए रहे। और ये चीज़ के बदल ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे के मिल रहा बा। कहें कि रउआ सभी देखी भोजपुरी में कई गो एक्टर लोग आ गए ले लोग, काफ़ी सारा नया नया एक्टर लोग आए ले लोग। और कई लोग कई गो एक्ट्रेसेस तो ऐसा अली जौन की हिंदी फिल्म कुली में काम कर चुकल बड़ी, हिंदी सीरियल में काम कर चुकल बड़ी और ओकरा बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में आयल बड़ी। तो कहीं ना कहीं हम भोजपुरी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा बा। और जौन खबर बा पहला वो खबर ई है कि अभी फिलहाल में खेसारी लाल यादव के बेटी यानी कृति जौन की अभी भोजपुरी के जौन फिल्म में हुआ था गंगा दुल्हन गंगा पार जेकरा में खेसारी लाल यादव काजल राघवानी और उनकर बेटी कृति बाड़ी। और कृति के ये फिल्म में काफ़ी अच्छा रोल बा जौन की बहुत लोगन के काफ़ी ज़्यादा पसंद आवा था। ये फिल्म के ट्रेलर भी लोगन के काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कही ले लोग कृति के कि भाई इतना छोट बच्चा भी है और ये साथ ही साथ इतना ज़बरदस्त एक्टिंग करे ले कि मतलब एक के बारे में बहुत कुछ मतलब कोनो एक्टिंग के चाहे कोनो रोल के बहुत ही जल्दी कॉपी कर ले बेली। और ये लोग तो उनकर बड़ाई करते वा लोग लेकिन साथे साथे उनकर जो बड़ाई बाटे वो कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस लोग भी कर रहे वा लोग। और साथे साथे एक बात और ही बता दी कि ये फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जी वा लोग। और जब काजल राघवानी जी से कृति के बारे में पूछल गए कि कैसन मतलब कृति की एक्टिंग कैसन लागल या फिर वो कैसन एक्टिंग करेली तो सुनी वो का कहली है। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं नए नए कलाकार और साथ ही एंट्री हुई एक नन्ही सी एक्ट्रेस की जिसने इंडस्ट्री में एंट्री करते ही धमाल मचा कर रख दिया और बन गई है सबकी फेवरेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी यानी कृति के बारे में जिसने खेसारी की ही फिल्म दुल्हन गंगा पार से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है और सभी की बोलती कर दी है बंद। बता दें कि कृति इस फिल्म में अपने रोल को लेकर खासा चर्चे में रही थी और लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देखकर उनकी काफी तारीफ भी की थी और भोजपुरी के स्टार्स भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। इस फिल्म में खेसारी के साथ काजल राघवानी भी लीड रोल में है और उनसे जब कृति की एक्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कृति की एक्टिंग जबरदस्त है और खेसारी लाल यादव की तरह ही वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और किसी भी रोल को लेकर वो बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं और फटाफट एक्टिंग कर लेती हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो आगे चलकर खेसारी लाल यादव की तरह ही सुपरस्टार बन जाएंगी। काजल राघवानी कृति के बारे में कितना अच्छा अच्छा बात बोली कि भाई बड़ा अच्छा कलाकार बड़ी अपना पिता के नक्शे कदम पर चल के आगे बढ़ी हैं। और ये बहुत कुछ कहली काजल राघवानी कृति के बारे में जौन की कृति के बारे में जौन कहली वो काफ़ी ज़्यादा खास रहे। कहें कि कृति पहला बार एक्टिंग कर रहा बाड़ी और उनकर जबरदस्त एक्टिंग देख के तो यह लगा था कि भाई आगे कृति बहुत ज़्यादा काम करी हैं और बहुत ज़्यादा नाम कमाई है और अपना पिता के जैसा एगो सुपरस्टार बन जाई हैं। तो चली एक के साथ और दूसर खबर की तरफ रुख करल जाओ। और दूसर खबर जौन बा वो है अभी जौन कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में होके जा रहा बा एगो अवार्ड शो जौन की रउआ सभी जानते बानी कि दो तीन महीना पहले से ही
काफी टाइम पहले से ही ए अवार्ड फंक्शन के चर्चा जोरों पर रहे। अभी वो टाइम आ गई बा जबकि लोग एकर चर्चा बहुत तेजी से कर रहल बाड़े, कहीं कि आज तो 1 मई हो गई और 5 मई के बा अवार्ड फंक्शन, और ये काफी स्टार लोग भी इतना ज्यादा तैयार होकल बड़े एकरा खातिर। और ये सबसे बड़का बात तो ये बा कि ए अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के हस्ती लोग भी काफी ज्यादा शामिल हुई लोग। तो देखिए ये अवार्ड के बारे में हमारी खास रिपोर्ट। दर्शकों को जल्द देखने को मिलने वाले हैं खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जुगलबंदी। वैसे तो कई बार भोजपुरी के सितारे स्टेज शो के दौरान स्टेज शेयर करते नजर आते हैं और दर्शकों को भी काफी ज्यादा पसंद आती है इनकी जोड़ियां। तो बता दें कि ऐसी एक खास खबर सुनने में आ रही है। गौरतलब है कि आने वाली 5 मई को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भोजपुरी सिने अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, जिसमें भोजपुरी के लगभग सारे सितारे पहुंचेंगे और साथ ही बॉलीवुड के भी कई सितारे होने वाले हैं शरीक। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस समारोह के दौरान भोजपुरी के दो दिग्गज सितारे यानी खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ एक साथ स्टेज शेयर करते नजर आएंगे और करेंगे जबरदस्त जुगलबंदी। बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि खेसारी और निरहुआ इस प्रोग्राम में एक साथ ही पहुंचेंगे और इन सभी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जबरदस्त होने वाला है ये प्रोग्राम। तो दर्शकों इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और जरूर देखिएगा, क्योंकि ये है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान दिवस। तो जैसन की रवा सब देखनी कि ए अवार्ड शो में तो बहुत सारे सितारे लोग पहुंचवे करिए लोग, लेकिन साथे साथे हो कि दू गो भोजपुरी के दिग्गज के जुगलबंदी यानी कि खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव दोनों के दोनों स्टेज शेयर करत नजर आई लोग और दोनों के दोनों जबरदस्त म्यूजिक शो करी लोग। तो भाई ए अवार्ड शो के तो बिल्कुल भी मिस ना करब, कहें कि राहुल सबके बहुत फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस लोग तो पहुँचते वालों का, साथ ही साथ भोजपुरी के भी कई बॉलीवुड के भी कई लोग पहुंची लोग। और ये रउआ सभी जरूर देखा भी अवार्ड शो, आखिर रउआ सभी के देखे के बाद ही रउआ सभी फिल्म के हिट करवाइनी, यही से इन्हीं लोग के अवार्ड मिला था, नहीं तो इन्हीं लोग के अवार्ड ना मिली। तो रउआ सभी भी एक खातिर बहुत ज़्यादा खास बानी लोग। और साथ ही साथ एक यही बात के साथ हम आगे बढ़ते नहीं अगला खबर की तरफ। और जो अगला खबर बा उ पेंटिंग, एगो पेंटिंग आइल बा जबरदस्त खेसारी लाल यादव के, तो रउआ सभी जानते हो कब कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सबसे ज़्यादा सबसे बड़का स्टार बड़े और हर के उनका के बहुत ज़्यादा प्यार करेला। और साथ ही साथ खेसारी भी ऐसन बड़े कि अपना फैन खातिर कुछ हो कर दे बेले, कहीं भी जाए ले स्टेज शो भी करे ले तो फैंस के दिल हमेशा रखे ले। अभी कुछ दिन पहले ही खबर भी आयल रहे कि एगो छोट बच्ची जौन बिया वो 5 साल के रह लिया खेसारी लाल यादव जैसन और काजल राघवानी जैसन डांस करत रहे। और साथ ही साथ यो खबर आयल रहे कि अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के उनकर फैंस लोग इतना गर्मी में भी खेसारी लाल यादव इतना सारा सोना के चेन पहन ले रह लिया, जब उनका से पूछल गई कि भाई काहे चेन पहन ले बनी तो वो साफ कह ले कि हमारे फैंस के दियला यही से हमें चेन को लेके ना उतारे नहीं। तो अच्छा यही ऐसने एगो और ही बात सामने आई बा, जी हाँ, और बात ई बा कि अभी खेसारी लाल यादव की एगो फैन उनका के एगो पेंटिंग बना के दिहल बा जेकरा में खेसारी लाल यादव के छवि बा, और ये ऊ पेंटिंग के भी खेसारी लाल यादव फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देले बड़े और साथ ही साथ लिखल हूँ बड़े कि हमारे फैन के दिहल है। तो आप देखल जाओ तो बहुत खास बात बा, और ये बारे में खेसारी का कहलन और उनकर फैन का कहलन देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजकल खेसारी के फैंस की संख्या बढ़ती ही जा रही है और फैंस उनके इस कदर दीवाने हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कभी उनके फैंस उन्हें सोने की चेन देते हैं तो कभी उनके विदेशी फैंस उनसे मिलने उनके सेट तक पर पहुंच जाते हैं। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ कि खेसारी के एक फैन ने उनकी एक पेंटिंग बनाई है और खेसारी को गिफ्ट भी की है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जितना खेसारी के फैंस उनसे प्यार करते हैं उतना ही खेसारी भी अपने फैंस को चाहते हैं, और यहाँ भी खेसारी ने वही किया, उस पेंटिंग की फोटो खींच कर अपलोड कर दी और अपने इंस्टा अकाउंट पर जाहिर कर दी अपनी फीलिंग्स। बता दें कि खेसारी अपने फैंस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और अपने फैंस को समय समय पर यह एहसास दिलाते रहते हैं कि उनके फैंस उनकी जिंदगी में कितना मायने रखते हैं।
तो देखनी रहुआ सभी की खेसारी के और उनकर फैन लोग के कितना जबरदस्त बॉन्डिंग बा। आ ये बंधन कभी ना टूटे यही से खेसारी लाल यादव भी अपना फैंस के पूरा रिस्पेक्ट देवे ले, पूरा तरह से उन्हीं लोग के सम्मान करे ले और काफी ज्यादा प्यार करे ले अपना फैंस लोग से। अब वो कहे ले सबके सामने यो बात कहे ले कि हमारे जो फैन बा लोग उहे लोग हमारे सबसे बड़का भगवान बा लोग, कहे कि आज हम जो भी जौन भी बानी उन्हीं लोग की वजह से बानी और आगे भी हम जौन करब अपना फैंस की मर्जी के खिलाफ कुछ ना करब। तो ई बात तक खेसारी लाल यादव के हर किसी के हर केहू के जेहन में बस जाला और हर केहू खेसारी लाल यादव के फैन हो जाला। तो चलिए आज के जरा हटके में इतने बार इतने खबर रहे और अगला बार फिर हम ऐसने कोनो खबर लेके रउआ सभी के सामने हाजिर होकर जौन कि आप रउआ सभी के सुन के काफ़ी अच्छा लगे। उम्मीद करत नहीं कि रउआ सभी के हमारी प्रोग्राम अच्छा लागल हुई, अच्छा लागल हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करब। और इस साथे साथ हमरा के दी इजाजत, रहुआ सब देखत रही नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई।